मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का ही टाइम है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 और यहां से हमने अपने ब्लॉग का स्टार्ट भी कर दिया है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रास्ता का हालत ख़राब है। यहाँ जो पीछे जाने का रास्ता है, यहाँ मिट्टी इकट्ठा हुआ है और रास्ता एकदम पीछे का बंद भी है, और इस साइड का रास्ता पूरा जैसे अब मिट्टी तो फैल गया है लेकिन कंकड़ कंकड़ सा दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा रास्ता का हालत ख़राब है। तो बस अभी तो फ़िलहाल में हमें जो थोड़ा सा मिट्टी का काम है, और आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और यहाँ मिट्टी दिखा रहे हैं कि इसी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा जो इसमें से कंकड़ है, कंकड़ को हटाकर और मिट्टी को निकाल ले रहे हैं, और जो चौखट है उस चौखट पर थोड़ा सा हमको मिट्टी का काम है, क्योंकि अंदर का फर्श उसका मिट्टी का ही है और चौखट काफ़ी ऊंचा सा है। तो फिर सनी के पापा के पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे उनको चलने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो फिर जैसे कहीं भी अगर ऊंचा टाइप होता है तो फिर उनको पैर को उठाकर रखने में वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो फिर इसीलिए मैं लग गई हूँ मॉर्निंग में ही उसको ठीक करने में, और मॉर्निंग में उठते ही हमने ब्लॉग का स्टार्ट भी कर दिया है, क्योंकि ये जो मिट्टी के काम होते हैं काफ़ी हार्ड वर्क होते हैं फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है। लेकिन अपना काम है, जो ये काम हमारा फिनिश होगा, जो देखने में अच्छा लगने लगेगा, तो ये होता है कि ये तो हमारा ही काम है। जितना ही इसको ठीक करेंगे उतना हमारा ही काम फिनिश होगा, अच्छा होगा। तो फिर इसीलिए हौसला बुलंद है, और जो भी है फुल एनर्जी के साथ मॉर्निंग से मैं लग जाती हूँ अपने काम में, और बिल्कुल भी जैसे काम करते रहते हैं डेली तो थकान नहीं होता है। जिस दिन अगर ये सब काम नहीं होता है, मैं नहीं करती हूँ, जैसे अगर मजदूर वगैरह लगे होते हैं तो फिर मैं वहाँ पर अपना काम बंद करके ही रखती हूँ। ये सब काम मजदूर जो जैसे कर देते हैं, फिर जो मुझे लगता है कि इसे करना है अभी, तो फिर मैं मजदूर हट जाते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है, तब मैं लगती हूँ। और जो ये सब मिट्टी के काम हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के काम है फ्रेंड्स, और देख सकते हैं उसको हमने ठीक कर दिया है। अब बिल्कुल भी पैर ऊपर नीचे करके नहीं रखना पड़ेगा। और गांव है फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा गाय भैंसे यहाँ पर आजू बाजू आवाज़ें, आप लोगों को ऐसे आवाज़ें काफ़ी सुनाई पड़ेंगे, तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी रास्ते का भी हाल ख़राब है। अब तो चौखट का हमने ठीक ठाक कर दिया, क्योंकि ये सब काम जो होता है, 2 दिन तो मेरा बंद ही था, मजदूर लगे थे, यही मिट्टी रास्ते का जो है मिट्टी पटाई हुआ है तो यही काम चल रहा था, बाहर से मिट्टी आ रहे थे और ये सब मिट्टी पटाई चल रहा था। तो फिर हमने कहा कि बस मजदूरों का काम ख़त्म हो जा रहा है, जैसे ही वैसे मैं लग जाऊंगी इस रास्ते को ठीक करने में। तो देख सकते हैं जो इकट्ठा मिट्टी रखा हुआ था मॉर्निंग में, जहाँ से मैं मिट्टी ले जाकर चौखट के अंदर पटाई की थी, वहाँ का मिट्टी इकट्ठा था। तो फिर यही भैया जी हैं जो डेली हमारे यहाँ काम करते हैं, जो भी है कुछ, तो फिर आ गए हैं मॉर्निंग में ये भी अपने टाइम पर और लग गए हैं अपने काम में। तो यहाँ का मिट्टी भी इन्होंने फिनिश कर दिया है, बराबर सा हो गया है, लेकिन अभी जो कंकड़ वगैरह हैं, जिस तरीके से हमारा काम है कर लेंगे उस तरीके से, अब जैसे दूसरों का बस यही है कि इसको बराबर शेप में कर दिए हैं, और इसके बाद से जो भी कंकड़ वगैरह निकालना उसको ठीक ठाक करना है तो वो काम मेरा है, तो उसको मैं ही करूँगी। और क्योंकि मजदूर लोग इतने अच्छे से आप लोगों का जो काम है आप करवाएंगे तो फिर टाइम भी लगेगा, तब तक इन लोगों को दूसरा काम बता दिया जाएगा, ये लोग दूसरा काम करेंगे। तो फिर देख सकते हैं मैं अभी यहाँ तक ही पहुँची हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से ही लगी हूँ, धूप भी हो गया है और भैया जी का मिट्टी भी यहाँ से पूरा जो पटाई का काम था उन्होंने अपना पटाई भी कर लिया, उसको बराबर भी कर लिया, और यहाँ जो ये पटिया इकट्ठा होकर रखा हुआ है जो रास्ते में फैला हुआ था हटवा दिया था हमने, हमने कहा मिट्टी में दब जाएगा तो क्या मिलेगा, और ऐसे भी रहेगा बाहर रहेगा तो कभी भी किसी भी काम जरूरत के काम में आ जाएगा ये पटिया। तो फिर इसको मैं साइड साइड से लगवा दे रही हूँ,
ताकि बारिश में जो भी मिट्टी हो नीचे उतर कर ना जाए तालाब के नीचे। और नीचे तालाब है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा क्योंकि यही तालाब है, घर के बाजू में ही है। और काफ़ी प्यारा सा एकदम नज़ारा लगता है, मौसम में काफ़ी अच्छा, मन को सुकून भी लगता है तालाब के किनारे। और थोड़ा सा मैं मॉर्निंग वॉक तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर उठने के बाद थोड़ा सा बाहर और फिर इसके बाद से फिर यहीं से कैमरा उठाते हुए, कभी कभी मैं कैमरे में भी दिखाती हूँ मॉर्निंग का व्यू। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बस बाहर से टहलने के बाद फिर पीछे तक खेत तक पूरा टहल कर और फिर इसके बाद से हाथ पैर मुंह धुलने के बाद फिर मेरा वही चाय का काम होता है, चाय वगैरह पी लेती हूँ। क्योंकि इस समय बहू है तो किचन के काम से बिल्कुल भी मुझे थोड़ा सा भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो करने ही नहीं देगी। तो ये सब जो बाहर के काम हैं इकरे बिखरे से पड़े हुए हैं, तो फिर मैं बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और क्योंकि बैठने से और भी ज़्यादा मुझे थकान महसूस होता है, और काम करते रहो तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो देख सकते हैं काफ़ी मेहनत के बाद रास्ता क्लीन हो चुका है, जो भी कंकड़ पत्थर सब थे सब हट चुके हैं। और यहाँ पर बिटिया रानी अपने पापा का पैर धुल रही हैं साबुन लगाकर, क्योंकि आज चली गई थी स्कूल के लिए और मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं था फ्रेंड्स। और ठंड का मौसम भी है, तो फिर मैं जो रास्ते का काम कर रही थी पूरा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 12 बजे तक मेरा काम चलता ही रहा। और देख सकते हैं इनको मैं स्नान नहीं करवा पाई, तो फिर सृष्टि आई है स्कूल से, तो फिर उनको पैर में साबुन हाथ पैर उनका मुंह धुलवा देगी, तो बस थोड़ा सा वो भी फ्रेश महसूस करने लगेंगे। नहीं तो क्या है कि कभी अगर कभी का दिन होता है अगर हम नहीं नहाते हैं तो फिर अजीब सा महसूस होता है। तो आज मैं उनको ना तो बिल्कुल भी पानी का उनको दे पाई नहाने के लिए, ना भी उनका कोई भी काम नहीं कर पाई हूँ। और उनका तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को पता ही है, तो फिर थोड़ा उनको सपोर्ट करना पड़ता है, जैसे नहाने के लिए भी और थोड़ा जो भी है काम, हर एक काम में। तो बस अब यहाँ हाथ पैर उनका धुल चुकी है, तो फिर अब फेस धुल रही है, तो क्योंकि हाथ में भी उनके सुई का जो होता है, जो बॉटल चढ़ने वाला सुई का सिरिंज जैसा लगने वाला होता है वही लगा है, क्या उसको बोला जाता है मुझे नहीं पता। और यहाँ पर मैं जहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा जगह भी हो गया, क्योंकि यही जगह था पहले, ये अजीब सा रहता था बिल्कुल भी, ना तो झाड़ू लगाते बनता था ना तो कुछ भी। तो अब और इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ईंट दब भी गए हैं, क्योंकि किनारे किनारे भी काफ़ी ज़्यादा ईंट रखे हुए थे और इसके ऊपर भी पूरा हम ईंट फैला दिए थे, क्योंकि जैसे बारिश में कीचड़ जैसा ना हो। तो सारी ईंट तो दब गए, लेकिन हमने पटिया थोड़ा सा था तो उसको हटवा लिया है। और बिल्कुल रास्ते का हालत ख़राब था, पहले बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाते बनता था, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर फिर से मिट्टी पटवा दिया जाए। और मिट्टी पटवाने के बाद अच्छे से इसको क्लीन करने के बाद यहाँ का लिपाई पुताई कर दें, तो फिर थोड़ा रास्ता ठीक भी हो जाएगा, आने जाने में भी अच्छा रहेगा। और इसके इसीलिए हम यहाँ पर जो भी मिट्टी फैलवाए हैं वो मिट्टी काफ़ी अच्छी है, जैसे जो बारिश में वो एक मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी होती है, जैसे पानी बहुत सोखता है, बिल्कुल भी कीचड़ जैसा नहीं होता है, तो वही मिट्टी हम यहाँ पर फैलवाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी मिट्टी है बारिश के लिए। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ मैं लिपाई कर रही हूँ, पहले ही यहाँ पर पाइप रखा हुआ था तो लाइट आ गया अचानक से, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी और थोड़ा सा फैल भी गया है, कीचड़ जैसा हो गया है पीछे। तो हमने कहा जाने में तो पीछे प्रॉब्लम होगा ही, और क्यों ना इसको हम लिपाई कर दे रहे हैं। थोड़ा सा गेहूँ था, क्योंकि वो गेहूँ जैसे खेत में बोने वाला गेहूँ है, घर का ही गेहूँ है, तो फिर उसको हमें थोड़ा बीन कर साफ़ करना था, जैसे कि गेहूँ में कोई और भी वो ना हो, कचड़े वगैरह ना हो, नहीं तो फिर गेहूँ में घास वगैरह जम जाते हैं तो फिर मेहनत भी लगता है। तो फिर बस इसीलिए उसी को मैं बीनने बैठ गई थी, तो थोड़ा हमने कहा इधर लिपाई कर देते हैं तो मॉर्निंग तक तो सूख ही जाएगा, थोड़ा बहुत धूप होगा तो अच्छे से सूख जाएगा कल तक, क्योंकि रास्ता अभी कीचड़ जैसा है तो फिर आना जाना भी नहीं हो पाएगा, और पीछे साग सब्जी और काफ़ी ज़्यादा काम भी हैं पीछे, तो जाना कैसे होगा। तो बस इसीलिए लग गए हैं यहाँ का लिपाई करने के लिए, क्योंकि कल तक, ताकि इधर का हमारा सूख जाए। और बाकी और जो रास्ता है
मेन गेट से लेते हुए और सामने तक का, तो उसको हम कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। उसका लिपाई आज नहीं करेंगे, और वैसे भी लिपाई आज करते भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे इधर का रास्ता भी ख़राब हो गया था और ठीक ठाक नहीं था और सूखने में भी प्रॉब्लम होता, तो बस इसीलिए हमने कहा कि मंगलवार है तो क्या हुआ, थोड़ा सा ही लिपाई करना है इस साइड का। और ना तो मंगलवार और शनिवार और गुरुवार को गोबर का लिपाई नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर थोड़ा ही गोबर लिए हैं, ज़्यादा नहीं है, हमने कहा कर देते हैं लिपाई इधर का। तो इस समय ज़्यादातर हर ब्लॉग में फ्रेंड्स आप लोगों को लिपाई पुताई मिट्टी के काम ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय मेरा किचन का काम बंद ही चल रहा है, तो बाहर का ही काम मैं बस कर रही हूँ। तो जो भी बाहर का जगह ख़राब है, ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, तो इस समय बहू है तो फिर उस काम को मैं अच्छे से अपना निपटा ले रही हूँ, नहीं तो फिर क्या है कि बहू भी चली जाएगी, क्योंकि हर साल माघ में सासू माँ जाती हैं कल्पवास में, तो हो सकता है बहू भी साथ में चली जाए, तो फिर जो भी है काम फिर किचन का आ जाएगा। तो फिर किचन का जब काम होता है तो पूरा ध्यान से किचन का भी नाश्ता हो गया, खाना हो गया बनाना, लंच डिनर जो भी है सब उधर भी करना होता है, कपड़े धुलाई बर्तन वगैरह के काम, फिर बाहर के थोड़े थोड़े जैसे समय मिलते हैं वैसे बाहर के भी काम, लिपाई पुताई का भी अपना काम करती रहती हूँ। लेकिन बहू के होने पर थोड़ा सा जो किचन का काम है उस काम से मुझे फुर्सत भी रहता है, तो इस तरफ का लिपाई मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। काफ़ी मेहनत लग रहा है इस कड़कड़ाती ठंड में, मॉर्निंग से ही लगी हूँ, हाथ मेरा बिल्कुल भी बंद नहीं है, थोड़ा सा भी मेरे हाथ को रेस्ट नहीं मिला है, और हाथ का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है इस समय, क्योंकि थोड़े खरोच भी आ गए हैं हाथ में, यहाँ का लिपाई करते करते मेरे हाथ में खरोच भी आ गए हैं, क्योंकि उस साइड का जो जितना भी कंकड़ था हमने निकाल दिया था, पर इस साइड काफ़ी ज़्यादा कंकड़ वाली मिट्टी थी, मॉर्निंग में ही हमने दिखाया था यहीं पर मिट्टी इकट्ठा रखी हुई थी जो मिट्टी हम दिखाए थे, तो वो सब कंकड़ हम दबा इसी में दबा दिए थे जब ठीक कर रहे थे तो, और वो भैया जी मिट्टी फैला दिए थे, तो मैंने ठीक जब मैं ठीक करने आई मिट्टी को तो काफ़ी कंकड़ निकल रहे थे, तो हमने कहा फेंक देंगे तो फिर ज़मीन भी यहाँ का ऊँचा और खाल टाइप हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। और देख सकते हैं सृष्टि पानी लेने के लिए जैसे वही पानी दे रही है, तो मैं लिपाई करते जा रही हूँ, तो फिर उसे बिल्कुल भी ये नहीं था कि वहाँ चढ़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा लिपाई, तो कोई बात नहीं उसको मैं बाद में ठीक कर लूँगी, और तब तक वो पानी लाकर मुझे दे रही है, क्योंकि अभी एक बाल्टी पानी का काम और है, तो बस वही लेने गई थी। और कभी थक जा रही हूँ तो फिर झुककर लिपाई करने लग रही हूँ, और कभी मैं बैठकर, क्योंकि यहाँ का हाल देख ही सकते हैं, जहाँ पानी पहले से ही लगा था तो वहाँ एकदम बिल्कुल पैर एकदम धस रहा है कीचड़ में, और मैंने कहा कि अभी ताज़ी ताज़ी मिट्टी है और ताज़ी मिट्टी का लिपाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और ऐसी मिट्टी जिसमें कंकड़ हों तो वही मिट्टी ये है, लेकिन लिपाई के बाद जो कंकड़ में दबाकर अंदर बैठा कर और लिपाई करते जा रही हूँ, तो उन कंकड़ अगर ये फर्श सूख जाएगा तो उन कंकड़ का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और यहाँ आ गए हैं इधर से ही आए हैं पीछे के रास्ते से, नहीं तो उधर का रास्ता ठीक नहीं है, तो गेहूं बटोरने के बाद फिर चले गए हैं वहाँ जो सृष्टि ख़राब कर दी थी उसको ठीक करने। और आप लोग कहते हैं ना कि बहू को भी ब्लॉग में थोड़ा बहुत दिखा दीजिए कीजिए, तो फिर देख सकते हैं यहाँ मैं अपना लिपाई कर रही थी, तब तक बहू भी उधर अपना देखने गई थी मेन गेट के सामने, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी कोई रहता नहीं है, ना तो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं और ना तो कुछ दिखने वाला ही है, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि सामने कैमरा लगा हुआ है तैसे ही वो कैमरे में बिल्कुल आना नहीं चाहती है, और उसने रिक्वेस्ट भी किया कि उस क्लिप को काट दीजिए। लेकिन से लगे लगे फ्रेंड्स शाम हो गए, और शाम देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा भी हो गया, शाम के 6 बज रहे हैं, दिन है मंगलवार का, 12 दिसंबर है, तो फिर देखते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों तक पहुंच पाता है या नहीं। और देख सकते हैं लिपाई करते करते हाथ में भी खरोच आ गया है, काफ़ी दर्द भी हो रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है, थोड़ा सा भी खरोच लगता है तो दर्द होता है, और आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। और चलिए फ्रेंड्स वीडियो का यहीं पर एंड कर लेते हैं, और हमारी कई सिस्टर का कमेंट आता था कि कभी कभी बहू को भी दिखा दीजिए कीजिए, तो फिर आज वो आ गई अचानक से, क्योंकि मेरा किचन का काम होता नहीं है, बाहर ही करती हूँ, जो भी अगर वो रहती है तो फिर बाहर का काम ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है,
तो फिर मैंने, उसने तो मना किया, पर हमने कहा कि उसका बात नहीं सुनते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं क्योंकि आपका भी हमेशा कमेंट आता ही रहता है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और यहाँ हमारा वीडियो हो रहा है काफ़ी लेंथी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।